युवक का शव बरामद हुआ, क्या हुआ? संतोष द्विवेदी उर्फ कराटे, सतीश द्विवेदी उर्फ कराटे, ये रमाकांत जी के बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा सीधी बॉर्डर से जहां गुड़ थाना अंतर्गत एक अंधी हत्या पर जो है हड़कंप मच गया। परिजनन के द्वारा रीवा सीधी टनल में चक्का जाम कह देगा। पूरा मामला बेहद गंभीर, जहां पुलिस के बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस पर परिजनन के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष तिवारी प्रपंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी, शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपंचक बताया दी कि आज जो है बेहद बड़ी खबर बताया दी अपना का कि एक गुमशुदा व्यक्ति जिनकर 31 तारीख का रिपोर्ट जो है गुड़ थाना में दर्ज कराई गई रही, गुमशुदगी के उक्त व्यक्ति के युवक के जिनकर उम्र 35 वर्षी और उनका नाम सतीश द्विवेदी उर्फ कराटे मताबगा ऊ जो है बांधी दढ़वा गांव के आई, उनकर लाश जो है मोहनिया पहाड़ में मिली है। लाश मिले के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गए और अपना पक्ष बता दी कि फिर उसके बाद परिजनन के द्वारा सोलर प्लांट के पास जो है स्थित रीवा सीधी टनल का पूरी तरह से चक्का जाम कर देगा। प्रशासन खूब मनावे की कोशिश करी, लेकिन परिजन जो है मृतक के दुई बच्चिन के खातिर जो है उनका जीवन के भरण पोषण के मांग खातिर लगे रहेंगे, मांग पर कायम रहें। और साथ ही में उनके द्वारा एक व्यक्ति जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उक्त व्यक्ति के ऊपर पूरा आरोप लगाई न कहीं कि उक्त व्यक्ति के ऊपर धारा 302 और अपहरण जैसा गंभीर अपराध में मामला दर्ज किया जाए। या पूरे मामला में हमारे संवाददाता द्वारा रीवा के एडिशनल एसपी से बात की गए तो उनके द्वारा कहा गया कि 31 तारीख का ये गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई रही और आज जो है शव बरामद भा है, पूरे मामला की जांच की जा रही है। हालांकि परिजनन की यहां तक आरोप है कि शव जो 31 तारीख का गुमशुदगी भय रही वो माँ जो आरोपी है उनके द्वारा मारा गया, तेजाब डाला गया, फिर जलाबा गया है। हालांकि शव के स्थिति ऐसा ही कि अपना को वह तस्वीर हम नहीं दिखाई सकी, कहे कि अपना विचलित हो सकी थे। हालांकि ये बेहद बड़ी खबर ही, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति जो है जाम खोल देगा है, लेकिन परिजन लगातार अपने मांग माँ बने हैं। यह पूरे मामला में जब एडिशनल एसपी के द्वारा यह कहा गया कि शव डिकम्पोज हो चुका है, पहचान तक में बड़ी समस्या आ रही है, लेकिन शव का जो है अपने कब्जे में लाई के पीएम करावा जी और ओके बाद कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाई कि आखिरकार यह हत्या आए कि काय आए। तो सुनी सबई के पूरा बयान और का कुछ घटनाक्रम भा, पूरा देखे रिपोर्ट। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद। आधा जनता पुलिस के सही क्या हुआ था आपके भाई के साथ? हमारे भाई के साथ 31 तारीख को भाई मेरा यहाँ से गया था घूमने के लिए फोर व्हीलर से, उसमें 3 लोग बैठे थे। अच्छा, उसके बाद फिर भाई मेरा आया तो फोर व्हीलर रखा, 2 व्हीलर ले गया। 2 व्हीलर लेके गया तो रजमकोट साथ में था,
रज्जन कोल के साथ ही रज्जन ने बताया कि मैं यहाँ से बैठा था और यहाँ तक फिर मुझको छोड़ के गए, जबकि अभी पता चला है कि वो रज्जन कोल साथ में था और इसमें पूरी साजिश है। ये अभी देख रहे हैं, ये पूरा मर्डर है, ये मरवाया गया है। मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ, 10 दिन से पहले भी, इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जो 4 लोगों का मैंने नाम बताया, विजयन सिंह, पुष्पराज सिंह, रामकृष्ण यादव और रामपाल यादव, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इनके अलावा कोई साजिश है ऐसा कोई नहीं कर सकता है, इन्हीं का करवाया हुआ काम है। आपको क्या लग रहा है? मैं पुलिस थाने में गया था तो रिपोर्ट कराने के लिए उनके नाम पर, तो वहाँ पे मुंशी जी बोले कि ये नहीं लिखूंगा, तो मैं बोला फिर नहीं लिखाना है तो। द्विवेदी जो है वो मेरा भतीजा है, मेरा नाम कुंडेश्वर द्विवेदी है। सतीश बहुत पहले सोलर प्लांट में सिक्योरिटी चलाने का काम करता था और ब्रिजेंद्र सिंह से मौखिक तौर पर पेटी में काम दिया था। कुछ दिनों बाद ब्रिजेंद्र सिंह ने उसका पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया, इसी से ब्रिजेंद्र सिंह का और सतीश का विवाद हुआ। एक बार पैसे के लिए ये जो डिमांड कर रहा था, तब ब्रिजेंद्र और वो पुष्पराज रामकृष्ण दुबे के द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और तब से इनका तनी तना चल रहा है। जब भी ये पैसे की उनसे डिमांड करता तब वो ये कह रहे थे कि हम तुमको ख़त्म कर देंगे, तुम्हारी लाश नहीं है। और ये 31 तारीख की रात्रि बड़े सुनियोजित तरीके से इनके द्वारा सतीश के परिचित को ही भेजा गया और उनसे बुलवा कर इसकी धारदार अस्त्र से पीछे गर्दन में मार के हत्या की गई, इसके ऊपर तेजाब डाला गया, जला दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह जो यहाँ का सिक्योरिटी का काम देखता है उसके खिलाफ 302 और अपहरण जैसी जघन्य अपराध कायम किए जाए और इसके सतीश की 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनके जीविकोपार्जन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके शादी विवाह के लिए जितना भी अधिक से अधिक हो सके वो सारी की सारी व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग अभी जो ये नेशनल हाईवे इसको तत्काल जाम करेंगे यहाँ से हटने के लिए। संतोष द्विवेदी उर्फ कराटे, सतीश द्विवेदी उर्फ कराटे, ये रमाकांत जी के बेटे हैं और 31 तारीख को 9 वर्ष मनाने के लिए घर से गए थे, फिर ये वापस नहीं आए। इसकी सूचना उनके द्वारा थाना गोड़ों में दी गई थी जिसमें गुम इंसान कायम करके इनकी तलाश की जा रही थी। आज इनका शव बरामद हुआ है, शव डिकम्पोज हो गया, लगभग 7-8 दिन 9 दिन की बॉडी है, तो डिकम्पोज के कारण जो है उसमें कोई स्पष्ट चिन्ह समझ में नहीं आ रहे हैं। FSL टीम मौके पर है जो उनका परीक्षण कर रही है और लाश का पंचनामा करने के बाद हम PM के लिए भेजेंगे, इसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। इस विषय में जांच की जा रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।